हेलो, मैं सुजाता मिश्रा और मैंने नई स्टोरी लिखी है जो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। एक बार एक राजा था और उसकी एक रानी थी। जो रानी थी वो कोई भी धर्म कार्य करना पसंद नहीं करती थी। किसी को दान देना और कुछ भी करना उसे अच्छा नहीं लगता था। एक बार राजा जब भ्रमण के लिए बाहर गए हुए थे शिकार खेलने, तो जो रानी थी उसके द्वार पर कोई ब्राह्मण आया और रानी ने कहा कि जाओ महात्मा को अंदर लेके आ जाओ। तो दासी उस ब्राह्मण को अंदर लेकर आई। रानी ने उस ब्राह्मण से कहा कि मुझे ये धर्म कार्य बिल्कुल भी पसंद नहीं है और कुछ ऐसा हो जाए जिससे मुझे ये सब करना नहीं पड़े। जो महात्मा थे वो काफ़ी आश्चर्यचकित हुए कि महारानी जैसे इतने बड़े पद पर होते हुए भी महारानी धर्म कार्य नहीं करना चाहती है। और उन्होंने महारानी को समझाया कि आप इतने उच्च पद पर है और आपको धर्म कार्य करना चाहिए, इससे आपको प्रतिष्ठा मिलेगी। लेकिन महारानी ने बिल्कुल ही मना कर दिया। उसने कहा कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है धर्म कार्य करना। आए दिन मेरे पास कोई ना कोई पहुँचता ही रहता है और मेरा समय यूं ही बर्बाद होता रहता है उनको कुछ ना कुछ देने में और उनको समझाने में। जो ब्राह्मण थे देवता थे उन्होंने काफ़ी समझाया पर महारानी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। महारानी ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे ये सब कुछ भी मुझे नहीं करना पड़े और मैं चैन से रह सकूं। ब्राह्मण ने कहा कि आप एक बार फिर से सोच लें, क्योंकि फिर मैं वापस नहीं लूँगा जो भी संकल्प मैं आपसे करवाऊँगा। महारानी ने हाँ कर दिया। महारानी ने कहा कि आप कुछ भी करके मुझे इससे मुक्ति दिलवाइए। तो उस ब्राह्मण ने कहा ठीक है और उसने अपने कमंडल से कुछ पानी की बूंदें महारानी के ऊपर छिड़क दी और कहा तथास्तु। जैसे ही ब्राह्मण ने यह कहा, जो महारानी थी वो जीवाणु बन गई और जीवाणु वो हर पल जिंदा होती और हर पल मरती। उनके पास करने के लिए अब कुछ भी नहीं था। उनका जीवन ही बस जीवन और मृत्यु के चक्र में बंध गया था और हमेशा के लिए उसी जीवन में वो बंध गई। इससे शिक्षा यही मिलती है हमें कि जब भी हमें जो जीवन मिला हुआ है उसे हम जितनी अच्छी तरीके से जी सकते हैं दूसरों की सहायता करके और धर्म कार्यों को करके, उतना ही जीवन उतना ही मूल्यवान बनता है। और जो महारानी थी वो जीवाणु बन चुकी थी और उनका जो जीवन था वो बिल्कुल ही नष्ट हो चुका था। उन्होंने जो मार्ग खोजा था और जो उन्हें मिला वो उनका खुद का चुना हुआ मार्ग था। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।